इट्स मी कश्माला मलिक और आप देख रहे हैं मास्टर जी नेटवर्क। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज की अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि बेसिकली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, मतलब कि कौन सी मैट्रिक किस मैट्रिक के साथ ऐड अप हो सकती है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी मैट्रिक किस मैट्रिक से ऐड हो सकती है, तो पता ऐसे चलेगा कि हम उसका उस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करेंगे। जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा दूसरी मैट्रिक्स के साथ तो वो हमारी ऐड अप हो जाएगी, अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो वो ऐड अप नहीं होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद ए पार्ट। अब देखें अगर इसको देखें ए को 2, 1, -1, 3, अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 रोज हैं 2 कॉलम हैं तो 2 by 2 ऑर्डर। बी का देखें 2 रोज 1 कॉलम 2 by 1 ऑर्डर। सी का देखें 1, 2, 3, 3 रोज 1 and 2, 2 कॉलम। डी का देखें 2+1, अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2+1, 3 और ये 3। अब ये मैट्रिक्स हमारा बन गया। अब इसको ऑर्डर चेक करें 1, 2, 2 रोज एंड 1 कॉलम, ठीक है। अब ई पार्ट पे आ जाएं, 1, 2, 2 रोज 1, 2, 2 कॉलम 2 by 2 ऑर्डर हो गया। एफ पे आ जाएं, अब इसको पहले सॉल्व कर लें हम, 3, 2 as it is 1+1, 2 -4 as it is 3+2, 5, 2+1, 3। कितने रोज हो जाएंगी, 1, 2, 3। कॉलम कितने हो जाएंगे, 1 and 2, तो 3 by 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब देखिए ऑर्डर किस किस का सेम है, जिस जिसको ऑर्डर सेम होगा वो हमारे मैट्रिक्स ऐड हो सकती हैं। तो सी 2 by 2, ये 2 by 2, तो ए एंड ई हमारी ऐड अप हो सकती हैं। सेकंड पे अगर जाएं हम, बी 2 by 1 है तो 2 by 1 फर्दर देखें किसमें, ये रहा 2 by 1, इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो इट्स मीन बी एंड डी ऐड अप हो सकते हैं। अब सी पे आ जाएं, 3 by 2 ऑर्डर है और इसका एफ का 3 by 2 ऑर्डर है, ठीक है। तो ये दोनों ऑर्डर सेम है, इट्स मीन सी एंड एफ हमारे ऐड अप हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। इस क्वेश्चन में 2, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स बेसिकली होता क्या है, एडिटिव इनवर्स हमारे पास ये होता है कि जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन होगा हमने उसको माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट इसको सॉल्व करते हैं। ए इक्वल 2, 4, -2, 1, एडिटिव इनवर्स निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालेंगे हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2, 4, -2, 1, आंसर हमारा क्या बनेगा, -2, -1 2, +2, -4, -4, -1, -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसी तरह बी का निकालेंगे, बी इक्वल 1, 2, 3, 0, -1, -2, -1, 3 and 1, एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1, 0, -1, 2, -1, 3, एज इट इज़ वैल्यूज हम लिख लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 माइनस मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो -1, -1 माइनस मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो -2, -1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो -3, ठीक है। अब माइनस मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0, माइनस मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसी तरह माइनस मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ तो -1 प्लस, तो ये +2, माइनस मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ 1, माइनस मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो -3, माइनस मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो -1, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाएं, सी पार्ट, सी इज इक्वल टू 4 - 2, नेगेटिव इनवर्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 -4, -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब डी पार्ट करते हैं, डी का इनवर्स निकालते हैं, 1, 0, -3, -2, 2 and 1, -1 -1, -3 -3 प्लस हो जाएगा, तो ये 3 -2 -2, ठीक है। अब माइनस मल्टीप्लाई 0, 0, -1 प्लस -2,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास टू हो गया, माइनस मल्टीप्लाई वन तो माइनस वन, ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं ई पार्ट, ई का लेते हैं नेगेटिव इनवर्स, वन जीरो जीरो वन, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस मल्टीप्लाई वन माइनस वन, जीरो एज इट इज, ये जीरो एज इट इज, माइनस मल्टीप्लाई वन माइनस वन, ये हमारा हो गया नेगेटिव इनवर्स, ठीक है। अब एफ पार्ट पे आ जाएं, एफ पार्ट कैसे होगा, अंडर रूट थ्री वन माइनस वन अंडर रूट टू, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस मल्टीप्लाई अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट थ्री, माइनस मल्टीप्लाई माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये वन आ गया, माइनस मल्टीप्लाई वन माइनस वन, माइनस मल्टीप्लाई अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू, ये हो गया सॉल्व हमारा, ये हो गया हमारा एडिटिव इनवर्स, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें क्या है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, ए प्लस ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसका क्या मतलब है, ए गिवन है, ए का मतलब हम ये ए मैट्रिक्स इसकी जगह पुट कर देंगे, ये मैट्रिक्स ऑलरेडी हमें गिवन है तो हम इसको फाइंड कर लेंगे, ए की जगह हम इसका मैट्रिक्स पुट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, माइनस वन टू टू एंड वन, ठीक है। अब ये अगेन एज इट इज हम लिख देंगे, प्लस वन 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 वन। अब एडिशन का रूल क्या होता है, मैट्रिक्स का फर्स्ट टर्म इस मैट्रिक्स के फर्स्ट टर्म के साथ ऐड हो जाता है, सिंपल ऐड कर लेंगे, माइनस वन प्लस वन, ठीक है, वैसे ही टू प्लस वन एज इट इज, टू प्लस वन वन प्लस वन, ठीक है। अब बस आप सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, आंसर जीरो, टू प्लस वन थ्री, टू प्लस वन थ्री, वन प्लस वन टू, दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी तरह सेकंड पार्ट पे आ जाएं, बी प्लस ये मैट्रिक्स गिवन है, बी मतलब ये बी मैट्रिक्स गिवन है, इस बी की जगह हमने बी की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देनी है, वन माइनस वन प्लस ये एज इट इज आ जाएगा, माइनस टू थ्री, ठीक है, ऐड हो रहा है, सिंपल वन प्लस माइनस टू, माइनस वन प्लस थ्री, ठीक है, वन वैसे प्लस माइनस माइनस टू, माइनस वन प्लस थ्री। अब आप सॉल्व कर लें, वन माइनस टू माइनस वन, माइनस वन प्लस थ्री टू, ये आपका आंसर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाएं, थर्ड पार्ट, सी गिवन है, इट मीन ये सी वैल्यू है, इस सी की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, वन माइनस वन टू प्लस ये मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा, माइनस टू वन थ्री, ऐड कर लें सिंपल, वन प्लस माइनस टू माइनस वन प्लस वन टू प्लस थ्री, सॉल्व कर लें, वन प्लस माइनस माइनस टू माइनस वन टू प्लस थ्री, वन माइनस टू माइनस वन माइनस वन प्लस वन कैंसिल, आंसर जीरो, टू प्लस थ्री फाइव, दैट्स इट। अब डी पार्ट स्टॉप, ओके, अब इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं, डी डी की वैल्यू हमें क्या गिवन है यहाँ पे, ये इस डी की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, वन टू थ्री माइनस वन जीरो टू, कर ली पहली पुट, अब ये एज इट इज मैट्रिक्स आ जाएगा हमारा, जीरो वन जीरो टू जीरो वन, ठीक है। एडिशन है सिंपल, फर्स्ट टर्म के साथ सेकंड टर्म के साथ, वन प्लस जीरो टू प्लस वन
थ्री प्लस जीरो, माइनस वन प्लस टू जीरो प्लस जीरो, टू प्लस वन, ये हमने वैल्यूज अरेंज कर दी। ठीक है, अब सिंपल, वन प्लस जीरो वन, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस जीरो थ्री, माइनस वन प्लस टू वन, जीरो प्लस जीरो जीरो, टू प्लस वन थ्री। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, दैट्स इट। ओके, अब इसके रिमेनिंग पार्ट्स करते हैं। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या है, टू ए, टू ए मतलब टू मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, टू ए, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है माइनस वन टू टू एंड वन, एंड टू मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो टू मल्टीप्लाई माइनस वन, टू मल्टीप्लाई माइनस वन, टू मल्टीप्लाई टू, टू मल्टीप्लाई टू, टू मल्टीप्लाई वन। ठीक है, तो टू मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस टू, टू टू मल्टीप्लाई होगा तो फोर, टू टू मल्टीप्लाई फोर, टू वन जा टू, दैट्स इट, ये आपका आंसर होगा। सिक्स पार्ट, माइनस वन मल्टीप्लाई बी, माइनस वन, बी की वैल्यू हम पुट करेंगे, बी की वैल्यू क्या गिवन है, वन माइनस वन, इट्स मीन माइनस वन मल्टीप्लाई होगा वन के साथ तो माइनस वन, माइनस वन मल्टीप्लाई होगा माइनस वन के साथ, माइनस वन इस प्लस हो जाएगा, वन वन द वन, दैट्स इट, ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर। अब सेवन्थ पार्ट, माइनस टू मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ, सी की क्या वैल्यू हमारे पास गिवन है, वन माइनस वन टू। ठीक है, अब माइनस टू मल्टीप्लाई होगा वन के साथ, माइनस टू मल्टीप्लाई होगा माइनस वन के साथ, माइनस टू मल्टीप्लाई होगा टू के साथ। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा, माइनस टू मल्टीप्लाई वन माइनस टू, माइनस माइनस प्लस हो गया, टू वन द टू हो गया, माइनस टू टू ज़ा फोर, दैट्स इट, ये आपका आंसर। एट्थ पार्ट, एट्थ पार्ट में क्या है, थ्री मल्टीप्लाई होगा डी के साथ, थ्री, डी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, वन टू थ्री, माइनस वन ज़ीरो टू। ठीक है, थ्री मल्टीप्लाई वन, थ्री वन द थ्री, थ्री मल्टीप्लाई टू, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री मल्टीप्लाई थ्री नाइन, थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस थ्री, थ्री मल्टीप्लाई ज़ीरो ज़ीरो, थ्री मल्टीप्लाई टू, थ्री टू ज़ा सिक्स, ये आपका आंसर। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट क्या है, थ्री मल्टीप्लाई सी, थ्री, सी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, वन माइनस वन टू, सिंपली मल्टीप्लाई कर लें आप, थ्री मल्टीप्लाई वन, थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन, थ्री मल्टीप्लाई टू, थ्री वन ज़ा थ्री माइनस, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, होपफुली ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, फिर भी अगर कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।